जनपद उद्धम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नशे की रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और नशा कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में जसपुर पुलिस द्वारा नशा तस्कर राजकुमार को डॉक्टर हनीफ वाली गली मोहल्ला जुहान से चार्ज रिकवरी में प्रतिबंधित कैप्सूल टैबलेट और इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी राजकुमार मोहल्ला जुहार जुलाहन में मेडिकल स्टोर चलाता है और उसे मेडिकल स्टोर की आड़ में आरोपी राजकुमार द्वारा लंबे समय से युवा लड़कों को प्रतिबंधित दवाइयों नशा करने के लिए बेची जा रही थी। वहीं इस संबंध में क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उसी क्रम में कार्रवाई करते हुए मोहल्ला जुहान से राजकुमार नाम के व्यक्ति को नशीली प्रतिबंधित दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से ये एक सूचना आ रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा जो यहाँ क्षेत्र के जो बच्चे हैं इनको अवैध रूप से जो प्रतिबंधित दवाइयाँ होती हैं इनको इनकी बिक्री की जा रही है और जिसमें कई बच्चे नशा कर रहे हैं। तो इस सूचना पर हम लोगों ने थाने की टीम ने और SHO जसपुर SSI जसपुर और यहाँ SI जावेद मलिक इनकी टीम ने काम किया और इस सूचना को डेवलप करने के बाद इसमें अभियुक्त की हमने गिरफ्तारी की है जिसका नाम है राजकुमार जो जुल्हान मोहल्ले में एक अपना मेडिकल स्टोर चलाता है जिसका लाइसेंस उसके भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है और वो स्वयं उस मेडिकल स्टोर को चलाता है और वहाँ से हमें कुछ जब तलाशी पर कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ भी मिली हैं जिसमें ट्रामाडोल और एल्प्राजोलम आदि टैबलेट्स हैं और इस सूचना पर मौके पर हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करी है और अभियुक्त को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसके आपराधिक रिकॉर्ड को भी तलाश किया जा रहा है। क्या पहले से बेचता रहा मैडम ये दवाई? इसके बारे में काफ़ी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी परंतु पुराना अभी तक इसमें जितना भी रिपोर्ट निकला है कि कुछ समय से ये एक्टिव है लेकिन उससे पहले भी कब से कर रहा है एग्जैक्टली कब से कर रहा है उसमें हम